गाजा में इजरायली फौज पर हमास के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हमास की रफा से लेकर अन्य शहरों तक पकड़ दोबारा मजबूत होती जा रही है और IDF का हमास का खात्मा करने का मिशन एक पहेली बनता जा रहा है जो फिलहाल सुलझ नहीं रहा है। दरअसल दक्षिणी गाजा के रफा शहर में हमास के साथ गाजा के अन्य छोटे बड़े प्रतिरोधी संगठन एक साथ मिलकर IDF पर हमले कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में रफा के याबना कैंप में अवदल्ला जंक्शन में अलकुज ब्रिगेड के लड़ाकों ने IDF पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहां पर हमास के लड़ाकों ने एक बिल्डिंग पर TBG गोलों से हमला किया है जिसमें इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी। अलकुज के लड़ाकों ने इस बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ गोला बारूद बरसाया है जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अलकुज के कुछ लड़ाके पहले तो एक खंडर पड़ी इमारत में छिपे रहते हैं और फिर ये छिपकर बाहर निकलते हैं और खंडरों के भीतर से ये दोनों लड़ाके सामने की एक बिल्डिंग पर निशाना लगाते हैं और इसी बिल्डिंग में IDF के सैनिकों ने पोजीशन ले रखी होती है और फिर एक लड़ाका बीच रास्ते में आकर उस बिल्डिंग पर TBG गोला फायर कर देता है। इसके बाद वीडियो में IDF के कुछ जवान सामने के रास्ते में नजर आते हैं और उनके आगे IDF का एक सैन्य वाहन भी होता है और इन सैनिकों पर पीछे से अलकुज के लड़ाके घात लगाकर फिर गोले फायर कर देते हैं। इन हमलों के बीच अल कासिम ब्रिगेड ने भी दक्षिणी लेबनान से IDF की 300वीं ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर रॉकेट का एक पूरा साल्वो ही फायर कर दिया। IDF का यह सैन्य अड्डा शुमेरा में है जिसे हमास कब्जे वाला उत्तरी फिलिस्तीन मानता है। आपको बता दें कि हमास ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हरियाली के बीच से एकाएक कई रॉकेट दनादन आसमान की तरफ फायर हो रहे हैं। वहीं इन हमलों के बीच वेस्ट बैंक में हमास से जुड़े प्रतिरोधी संगठनों ने इजरायली सेना के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। यहां पर बेतलहम के देशेह रेफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना और प्रतिरोधी लड़ाकों की सीधी भिड़ंत हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये आरोप लगाया गया है कि इजरायली सेना ने बेतलहम में फिलिस्तीनियों के कई घरों पर हमला किया है। इसके अलावा अलसामू कस्बे में भी इजरायली सेना ने छापेमारी की कार्रवाई की है और इन्हीं छापेमारियों के दौरान कलकिलिया में IDF की स्पेशल फोर्स के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। अलक्सा के लड़ाकों ने यहां पर IDF के ऊपर मशीन गन से हमला करने का दावा किया है और इससे एक दिन पहले 21 जुलाई 2024 की शाम को IDF ने एक वाहन को IED ब्लास्ट में उड़ा दिया था। इसके अलावा पूर्वी अल खलील के बानी नाइम कस्बे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक फिलिस्तीनी युवा इजरायली सेना द्वारा कब्जा की गई जमीन पर आग लगाता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से गाजा में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही वेस्ट बैंक में बार बार प्रतिरोध की आग भड़क रही है और इजरायली सेना इन हालातों में रोजाना छापेमारी की कार्रवाई कर रही है।